ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससीएस पेरेंट्स या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगधपुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के पहले पार्ट्स में देखा कि किस प्रकार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को एज अपॉर्चुनिटी के रूप में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को क्रिएट करते हैं, फिर उसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लिए कांग्रेस को प्रेरित करते हैं। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलता है, एक मास मूवमेंट के रूप में कन्वर्ट होता है। चौरा चौरे के इंसिडेंट के बाद यह इसका कह सकते हैं विड्रॉ किया जाता है। तो आज हम लोग लास्ट फेज ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट देखने वाले हैं। इसके पूर्व में हम लोग सेकेंड वीडियो में देखा किस प्रकार से यूपी में, यूनाइटेड प्रोविंस में, बिहार में, बंगाल में, कर्नाटक में और अदर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उस पार्ट्स में किस प्रकार लोकल इशूज को लेकर भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में जो है लोकल लेवल पे लोकल प्रॉब्लम्स और इशूज को लेकर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के समानांतर में जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट और रिवॉल्ट होते हैं। आज हम लोग इस क्लास में जो है लास्ट फेज ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को देखेंगे, एक ओवरऑल असेसमेंट करने का प्रयास करेंगे कि असहयोग आंदोलन का क्या निष्कर्ष निकलता है या फिर गांधी जी ने इसे क्यों विड्रॉ करते हैं, उनकी क्या जो है इस पे कोटेशन है या फिर उनकी क्या इनके इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के विड्रॉ करने के समर्थन में और पक्ष में अपने वक्तव्य हैं या फिर उनका जो पॉइंट्स हैं और मत हैं। ठीक है, तो पार्ट्स थ्री इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो गवर्नमेंट वेरी केयरफुली ऑब्जर्व द डेवलपमेंट्स एंड कलेक्टेड सीक्रेट रिपोर्ट फ्रॉम द प्रोविंसेस अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट। देखिए, उस वक्त की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सीक्रेटली के मतलब गुप्त रूप से जो भी नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे इट्स कांग्रेस के रूप में, कांग्रेस के नए नए फॉर्मूले और टैक्टिक्स और ट्रिक्स के रूप में, किस प्रकार प्रोपेगेंडा, किस प्रकार एजेंडा, किस प्रकार अंग्रेजों का विरोध किया जाए, किस प्रकार जो है मूवमेंट को मास लेवल पे स्प्रेड किया जाए और किस प्रकार जो है अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाए, अपने प्रोटेस्ट को जो है, विद्रोह को जो है आगे बढ़ाया जाए। तो जितने भी नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे उन तमाम चीज़ों के बारे में, ऐसा नहीं है कि उस वक्त की ब्रिटिश सरकार जो है एकदम बेखौफ थी और विश्राम कर रही थी। दे आर ईगरली कलेक्टिंग द सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स फ्रॉम द प्रोविंसेस फ्रॉम देयर एजेंट। हाँ, उस वक्त भी इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह हुआ करते थे, वो लोग जो वाइस राय वगैरह होते थे या फिर सेक्रेटरी वगैरह होते थे, उस वक्त भी इन तमाम जो है ना अपने गुप्तचरों से इन तमाम चीज़ों के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में पता किया करते थे। तो प्रोग्रेस क्या क्या हो रहा था मूवमेंट्स का, ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों को खबर नहीं था। अंग्रेज लोग जो है वह ऐसा सोचते थे कि यह एक पीसफुल मूवमेंट चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आम जनमानस में जो है यह मूवमेंट कहीं कहीं नहीं बहुत एक जगह ऐसा जो है विद्रोह की भूमिका में आने लगा, रिवॉल्ट के फॉर्म में जनरेट होने लगा, तब अंग्रेज जो है इसको लेकर शंकित होने लगे। ठीक है, तो व्हेन द मूवमेंट अल्टीमेटली स्टार्टेड द गवर्नमेंट टू द रिकोर्स ऑफ टू रिप्रेशन। जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ रहा था, स्टार्ट होते हर जगह धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा, तो वैसा ही धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है रिप्रेशन मतलब उसको दबाने का जो है मेजर्स और स्टेप लेने प्रारंभ करते हैं। तो कांग्रेस एंड द खिलाफत वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन वेयर डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। जैसे कांग्रेस और खिलाफत की जो ऑर्गेनाइजेशन थी और इसके जितने भी स्वयंसेवी जो थे उसे अनलॉफुल मतलब इलीगल करार दे दिया जाता है। पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस वेयर बैंड। और जो पब्लिक असेंबलीज थी मतलब लोगों को एक जगह 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 5000 लोग बैठकर असेंबली करते हैं या ऑर्गेनाइज होते हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। एट मेनी प्लेसेस द पुलिस फायर्ड ऑन द सत्याग्रहीज। और जो सत्याग्रहीज थे उसके ऊपर जो है पुलिस लाठी चार्ज करती है, फायर करती है। ठीक है, एंड अरेस्ट एंड लाठी चार्ज बिकम अ कॉमन सीन। और अरेस्ट, आम लोगों को अरेस्ट करना, कोई अगर प्रोसेशन कर रहे हैं, कोई जुलूस लेकर जा रहे हैं, कोई नारे लगा रहे हैं, तो इन तमाम लोगों को जो है पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती थी। ठीक है, बाई एंड ऑफ 1921 ऑल द इंपॉर्टेंट लीडर्स एक्सेप्ट गांधी वेयर इम्प्रिजन्ड। 1921 आते आते तक जितने भी प्रमुख लीडर्स थे कांग्रेस और खिलाफत मूवमेंट को, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाता है, कारागृह में डाल दिया जाता है, सिवाय एक महात्मा गांधी के। ठीक है, अलार्म्ड बाय हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और जो ब्रिटिश जो थी भारत में हिंदुस्तान में जो है हिंदू और मुस्लिम की एकता को देखकर भयभीत हो चुके थे, उन्हें भय था कहीं फिर से 1857 की क्रांति की विद्रोह फिर से न जन्म ले ले। तो द गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राई टू क्रिएट अ स्प्लिट बिटवीन द कांग्रेस एंड द खिलाफत्स। गवर्नमेंट की एक इच्छा थी, यह धारणा थी कि किस प्रकार से जो है
हिंदू हिंदुओं में और मुसलमान में एक स्प्लिट क्रिएट किया जाए, एक झगड़ा और विवाद को जन्म दिया जाए। दस द गवर्नमेंट मशीनरी वॉज फुली गियर टू क्रश द मूवमेंट। और ठीक उसी क्षण और गवर्नमेंट जो मशीनरी थी, गवर्नमेंट की जो तंत्र था, वह इस मूवमेंट को, इस असहयोग आंदोलन को कुचलने के प्रयास में जो है वह अपना जो मन बना रहा था और उस प्रयास में था कि कब इसे दबाया जाए। द रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश स्ट्रेंथन द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडियन टू कंटिन्यू द मूवमेंट विद द ग्रेट विगर। जो कह सकते ना कि रिप्रेशन था बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा जो है स्ट्रेंथन द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडियंस, वह भारत के इच्छा शक्ति को और स्ट्रेंथन करता है और उसे मजबूती प्रदान करता है। क्यों? कि वह चाहते थे कि चाहे कितना ही ब्रिटिश लाठीचार्ज करे, कितना ही ब्रिटिश के द्वारा इस मूवमेंट, इस असहयोग आंदोलन को दबाया जाए, हम जो है एक संकल्प के साथ जो है राष्ट्र की आज़ादी में जो है अंग्रेजों का विरोध करने में जो है खड़े रहें, डटे रहें और लड़ते रहें, ठीक है, विद ग्रेट विगर्स, ठीक है। Meanwhile, the Viceroy tried to negotiate with the Congress leaders through Madan Mohan Malviya and offered to recognize the national volunteers and to release the political prisoner. और इसके साथ साथ जो Viceroy थे वह negotiate कर रहे थे Congress के जितने भी leaders थे और उस वक्त के जो है बहुत ही बड़े leader हुए मदन मोहन मालवीय, उनके साथ भी, ताकि जो है national volunteers को जो है मदन मोहन मालवीय जी वहाँ शर्त रखते हैं कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस के वॉलंटियर्स हैं और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो राजनीतिक जो कैदी बनाए गए हैं, उन्हें रिलीज कर दिया जाए। आगे है, गांधी एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। फिर गांधी जी जो है नॉन कॉरपोरेशन असहयोग आंदोलन के मूवमेंट के बारे में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सभी पार्टियों का, सभी संगठनों का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है, उसमें अपने मत, अपने पोजीशंस, अपने विचार को रखते हैं। देर वॉज अ जनरल एग्रीमेंट ऑन हिज असेसमेंट, और इनका जो मूल्यांकन था इसके प्रति सभी लोगों ने, सभी पार्टीज के लोगों ने, प्रतिनिधि ने एक कह सकते हैं ना कि एक समर्थन प्रदान किया। He sent an ultimatum to the Viceroy, और फिर यह Viceroy को एक ultimatum, एक अंतिम चेतावनी देते हैं, that he could start mass civil disobedience movement if the political prisoners were not released and repressive measures not abandoned. वह यह अंतिम चेतावनी देते हैं कि अगर जो political prisoners हैं उन्हें release नहीं किया जाता है, उन्हें बंदीगृह से छोड़ा नहीं जाता है, उन्हें जेल से अगर मुक्त नहीं किया जाता है, तो वह एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर इस परिस्थिति में भी कि अगर वह जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, कांग्रेस के वॉलंटियर्स थे, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता और जो रिप्रेसिव मेजर्स थे, जो कह सकते ना इस मूवमेंट को दबाने की जो प्रक्रिया अंग्रेजों के द्वारा चलाई जा रही थी, उसे अगर बंद नहीं किया जाता है, तो इस परिस्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वो प्रारंभ करेंगे। आगे है, कांग्रेस वॉलंटियर्स वेर फायर्ड एट बाय द पुलिस एट चौरा चौरी। देखिए, चौरा चौरी के इंसिडेंट के बाद ही असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है। तो कांग्रेस के वॉलंटियर जो है प्रोसेशन में जुलूस वगैरह यात्रा निकाल रहे थे, उसमें पुलिस ने उस पर फायर कर दिया। पुलिस ने फायर किया, भीड़ थी तो भीड़ गुस्सा हो गई और पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन को ही जला डाला। तो इसमें कई एक पुलिस, यहाँ दिखा हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है कि 21 पुलिस मैन जो है किल्ड बाय द मॉब्स, और मतलब कह सकते हैं उस भीड़ के द्वारा 21 पुलिस मैन को जिंदा जला दिया जाता है, ठीक है। इन रिटेलिएशन द इन्फ्यूरेटेड मॉब्स किल्ड 21 पुलिस मैन, एंड दिस वायलेंट इंसिडेंट शॉक्ड गांधी एंड ही सस्पेंडेड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। और यह जो वायलेंट इंसिडेंट जो हुआ, या जो हिंसात्मक एक जो हिंसा हुई चौरा चौरी की घटना में, चौरा चौरी यूपी में है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, इस हिंसा ने गांधी जी को कह सकते हैं इस असहयोग आंदोलन को पीछे लेने के लिए, इसे बंद करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए जो है बाध्य किया। He also postponed the proposed civil disobedience movement at Bardoli. Bardoli में एक civil disobedience movement जो है इन्होंने रखा था कि हम वहाँ से प्रारंभ करेंगे, उसे भी जो है यह बंद कर देते हैं, उसको भी आगे मतलब उसे स्थगित कर देते हैं। Many congressmen were shocked and surprised by the Gandhi decisions. बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के members थे जो इस decisions को सुनने के बाद, इस डिसीजंस जो गांधी जी के द्वारा लिया गया कि अब हम असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, इसे जानकर वो सॉफ्ट हो जाते हैं। दे वेहेमेंटली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, और वो बहुत ही कह सकते हैं वेहेमेंटली प्रोटेस्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जैसे इसमें होते हैं, वो कहते हैं कि द टेकिंग बैक ऑफ द गांधीज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और द गांधीज डिसीजन टू टेक बैक और विड्रॉ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज अ नेशनल क्लैमिटी।
एक राष्ट्रीय क्लैमिटी है, ठीक है, आपदा है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू एक्सप्रेस्ड हिज अमेजमेंट एंड कंटर्स्टर्नेशंस एट द डिसीजन। तो जितने भी कांग्रेस के लीडर, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, इस जो है इंसिडेंट के बाद, जब जैसे गांधी जी विड्रॉ कर देते हैं, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट खत्म कर देते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें झटका लगता है। आगे एक्सप्लेनिंग हिज पोजिशन, गांधी इज रिप्लाइड टू जवाहरलाल नेहरू, और गांधी जो है जवाहरलाल नेहरू को रिप्लाई करते हैं। गांधी जी फिर अपने उत्तर में कहते हैं कि द मूवमेंट हैड अनकंसेंसली ड्रिफ्टेड फ्रॉम द राइट पाथ, वी हैव कम बैक टू आवर मूरिंग एंड वी कैन अगेन गो स्ट्रेट अहेड। मूवमेंट जो है सबकॉन्शियस लेवल पे या फिर अनकॉन्शियस लेवल पे जो है ड्रिफ्ट फ्रॉम द राइट पाथ, जो सही मार्ग था, जो सत्य मार्ग था, उससे कह सकते हैं ना कि कुमार्ग पर चला गया है। जो सही मार्ग था, जो राइट पाथ था, उससे ड्रिफ्ट कर गया, उससे हटकर जो है रॉन्ग पाथ के ऊपर वो चल रहा है। वी हैव टू कम बैक टू आवर मूरिंग, अब हमें वापस आना होगा, ठीक है, एंड वी कैन अगेन गो स्ट्रेट अहेड, और तब हम वापस आकर फिर से सही मार्ग पर जो है चल सके। तो ये गांधी जी का रिप्लाई था जवाहरलाल नेहरू को। आगे है, ऑन 12 फरवरी 1920 द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग एट बरदोली कंडेम्ड द इनह्यूमैन कंडक्ट ऑफ द मॉब एट चौरी चौरा। तो जो चौरा चौरी के इंसिडेंट हुए, उसे फिर वर्किंग कांग्रेस कमेटी, मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बरदोली में जब अधिवेशन हुआ 1922 में, तो उस बरदोली के अधिवेशन में जो है इस इनह्यूमैन कंडक्ट को जो है कंडेम्ड करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। इट इंडोर्स द सस्पेंशन ऑफ द मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और जो है वह जो है मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है बढ़ाने के लिए जो है राजी नहीं होते और इसे सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। द सेम डे गांधी स्टार्टेड हिज 5 डे फास्ट एज पेनेंस, और गांधी जी 5 दिनों के लिए जो है भूख हड़ताल करते हैं, अनशन करते हैं इस दुविधा में, और कह सकते हैं कि अपने प्रायश्चित के लिए जो है 5 दिन वह अनशन करते हैं। दस द फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन वर्चुअली केम टू एंड, और जो है वर्चुअली जो है कहें या फिर प्रैक्टिकली कहें, पहला असहयोग आंदोलन जो था वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। गांधी वॉज अरेस्टेड ऑन 10 मार्च 1920 एंड वॉज सेंटेंस टू 6 ईयर इम्प्रिजमेंट। गांधी जी को जो है 10 मार्च 1922 को बंदी बना लिया जाता है और 6 साल के लिए जो है सजा दी जाती है। एंड अब बात करते हैं खिलाफत इशूज को। खिलाफत इशूज से ही नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का जन्म होता है। तो खिलाफत जो इशूज था ऑल्सो लॉस्ट इट्स रिलीवेंस व्हेन केमल पेशवा केम टू पावर इन टर्की। जब केमल पेशवा जो है तुर्की में जो है पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो जो सुल्तान ऑफ द टर्की था वो स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, उसे जितनी भी पॉलिटिकल और राजनीतिक शक्तियां था उससे हटा दिया जाता है। कमल पेशवा वांटेड टू मॉडर्नाइज टर्की, खिलाफत वाज एबॉलिश्ड, और जो खिलाफत की जो एक गद्दी थी उसे समाप्त कर दिया जाता है, और जो कमल पेशवा जो थे वह जो है अब पासा को, पेशवा तो नहीं होगा, पासा ही होगा, केमाल पाशा, वो जो है इस जो है मॉडर्नाइज तुर्की को करने के लिए, उसे विकसित करने के लिए, और पूरे के पूरे खिलाफत की जो पॉलिटिकल जो और इकोनॉमिक जो भी कह सकते हैं, पहले खलीफा ही थे जो तुर्की को जो है शासन व्यवस्था या फिर उनका पूरा का पूरा अधीनस्थ था, जैसे किंग के तौर पे। तो उस खिलाफत की जो गद्दी थी उसे अब समाप्त कर दिया गया और केमल पाशा जो है वहाँ राजगद्दी पे आए, ठीक है। और द नेचुरली इट लीड टू एन एंड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, और खिलाफत मूवमेंट जो है वह प्राकृतिक तौर पे जो है अब वो खत्म हो चुका था। कॉजेज ऑफ द विड्रॉ, एक्सप्लेनिंग द कॉजेज ऑफ द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, गांधी सेड दैट द चौरा चौरी इंसिडेंट हैज फोर्स हिम टू विड्रॉ द मूवमेंट। मैंने पहले ही कहा कि चौरा चौरी की घटना जो उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस में होती है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, वह इंसिडेंट जो है गांधी जी को विवश करता है कि वो अपने इस मूवमेंट को, नॉन कॉरपोरेशन असहयोग आंदोलन के मूवमेंट्स को वापस लें। द इंसिडेंट प्रूव दैट द कंट्री स्टिल हैड नॉट लर्न द लेसन फ्रॉम द नॉन वायलेंस, और वो कहते हैं कि भारत के लोग या भारतीय जनमानस आज भी जो है असहयोग आंदोलन की जो टेक्निक्स अपनाई गई थी, नॉन वायलेंस, अहिंसा, उस मार्ग पर चलने के लिए व्यवस्थित नहीं है, या उस मार्ग और उस तकनीक को, उस टूल्स को, उस वेपन्स को भी पूरी तरीके से चलाने में समर्थ नहीं है। यूं कहूँ तो अहिंसा के माध्यम से जो है आंदोलन के लिए वह अभी सजग नहीं है। टू कोट गांधी, गांधी जी आगे कोट करते हैं कि आई वुड सफर एवरी ह्यूमिलेशन, एवरी टॉर्चर, एब्सोल्यूट ऑस्ट्रेसिज्म एंड डेथ इटसेल्फ टू प्रिवेंट द मूवमेंट फ्रॉम बिकमिंग वायलेंट।
गांधी जी सिंपल शब्दों में, अगर एक शब्द में क्या है, गांधी जी कहते हैं कि मैं मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तैयार हूं, मैं मतलब कह सकते हैं अंजल बिना ग्रहण किए अपने जीवन को देने के लिए तैयार हूं, मैं कोई भी सफर कोई भी ह्यूमिलिएशन सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हम कोई भी मूवमेंट को हिंसा के तौर पर हम नहीं चलाएं। आगे है, एज फार एज द पीजेंट्स वेर द कंसर्न द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज ग्रेजुअली टर्निंग इंटू नो रेंट मूवमेंट अगेंस्ट द जमींदार। जैसे पीजेंट्स का जो मूवमेंट था, हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया, चाहे यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ट्राइबल मूवमेंट हो गए, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, जो पीजेंट्स जो थे, जो आम किसान थे, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, जो बॉन्डेड लेबर थे, बंधुआ मजदूर वगैरह, वह जमींदार के खिलाफ जो है विद्रोह कर रहे थे, उनके जो मनी लैंडर्स थे उसके खिलाफ जो विद्रोह कर रहे थे। तो कांग्रेस चाहती थी कि कांग्रेस भी इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं थी, नो वे इंटरेस्टेड इन अटैकिंग द लीगल राइट्स ऑफ द जमींदार। देखिए, जमींदार को भी बोला जाता था अंग्रेजों के द्वारा कि तुम इतना टैक्स कलेक्ट करो, भले ही वह उन मात्रा से और अधिक टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो जमींदार की जो परिस्थिति थी उनमें वह कोई बदलाव नहीं चाहते थे, और गांधी जी का उद्देश्य था कि कंट्रोल्ड मास मूवमेंट, ठीक है, इन्वॉल्विंग डिफरेंट इंडियन क्लासेस, नॉट अ क्लास रिवोल्यूशन। गांधी जी का उद्देश्य था कि हम भारत के डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पीजेंट्स हो, फार्मर्स हो, रिच क्लास हो, इलाइट्स हो, सभी को इस मूवमेंट में लेके चलना है, ना कि पुअर जो है इलाइट के खिलाफ लड़े, इलाइट जो है पुअर्स के खिलाफ लड़े, पीजेंट्स जो है मनी लैंडर्स के खिलाफ लड़े, नहीं। अगर क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर हम अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ेगा, सब आपस में ही लड़ जाएंगे। तो इसलिए भी जो है इस मूवमेंट्स को अब वापस लेना पड़ा, और कह सकते हैं कि इस मूवमेंट्स में गांधी जी कहते हैं कंट्रोल्ड मास मूवमेंट, मतलब मास के मूवमेंट, मास लेवल पर मूवमेंट हो, बस वो कंट्रोल्ड वे में हो, मतलब वो एक कह सकते हैं ना कि कंट्रोल करके वो चले, ताकि कोई अधिक हिंसा वगैरह ना हो। इफ द मूवमेंट वॉज नॉट सस्पेंडेड इट माइट हैव लीड टू चॉइस बिकॉज द लीडर्स हैड नो कंट्रोल ओवर द लोकल मूवमेंट्स। अगर मूवमेंट को सस्पेंड नहीं किया जाता तो यह मूवमेंट मूवमेंट ना रह के एक हिंसात्मक रूप में पूरे समाज में विद्रोह की भावना, मारकाट, हिंसा को पनपने का कारण बनता। तो ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का ये तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट था। इसके बाद हम लोग काउंसिल रिफॉर्म्स या फिर जितने भी रिफॉर्म्स वगैरह आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आधुनिक भारत का इतिहास या इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक उसी प्रकार हम अपने जो है इतिहास के बारे में, या फिर कह सकते हैं आधुनिक भारत या भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम लोग जानते जाएंगे। तो यह क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।